गिलगित बल्तिस्तान को कुदरत ने बेपना खूबसूरती से नवाजा है। बर्फ पोश पहाड़ हो या यख बस्ता पानी, इसका कोई सानी नहीं। खूबसूरती के साथ ये इलाका फल और मेवजात से भी मालामाल है। चेरी का शुमार भी उन्हीं फलों में होता है जो कि ना सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं बल्कि गिलगित बल्तिस्तानी के रेवेन्यू जनरेट करने में भी बहुत कारामद साबित होती हैं। इन फलों का आगाज इन गुलाबी रंग के फूलों से होता है। इसी खूबसूरती को देखने के लिए हजारों लोग मार्च से अप्रैल तक चेरी ब्लॉसम सीजन एंजॉय करने गिलगित का रुख करते हैं। मई में ये फल पक के तैयार हो जाता है। इस फल के ओरिजिन की बात करें तो ये 70 बीसीज में ब्लैक और कैस्पियन सी के आसपास के इलाकों में ये फल पाया गया था। सर्द इलाकों में इस फल के दरख्त पाए जाते हैं। चेरी की बहुत सी इकसाम हैं लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जो उगाई जाती हैं वो दो खास इकसाम होती हैं, एक देसी और दूसरी फ्रेंच या फ्रांसीसी। फ्रांसीसी चेरी साइज में थोड़े बड़े होते हैं और पकने में ज़्यादा टाइम लेते हैं जबकि देसी चेरीज जो हैं वो छोटी होती हैं और जल्दी पक जाती हैं। अगर चेरीज के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखती हैं। वो कैलोरीज की वजह से वेट लॉस के लिए और इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, स्टमक और हार्ट डिजीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम और बालों के लिए बहुत ज़्यादा ये कारामद साबित होता है। क्वालिटी के लिहाज से हमजा निगर के चेरीज बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी जूसी होते हैं जो कि मई और जून में पक जाते हैं। चेरीज के पकने के बाद दरख्त पे चढ़ के उन्हें ध्यान से उतारा जाता है और उसके बाद फिर उनकी पैकिंग की जाती है। चेरीज की पैकिंग लोकल बॉयज करते हैं और इसी तरह थोड़ा बहुत अपने लिए पैसा कमा लेते हैं। और जिन लोगों के चेरीज के बाग होते हैं वो इन्हीं लड़कों को ठेके पे दे देते हैं और इसी तरह लोग अपनी आमदनी में इजाफा करते हैं। ये फ्रूट 90% नेशनल मार्केट्स में जाता है जिसकी सबसे बड़ी मंडी गिलगित बल्तिस्तान में है और वहीं से लाहौर और इस्लामाबाद जाते हैं और सिर्फ 10% इंटरनेशनल मंडियों में जाता है क्योंकि चेरीज बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और लॉन्ग रूट्स की वजह से ये जल्दी ज़ाया हो जाते हैं। सिर्फ गिलगित से इस्लामाबाद ले जाने तक 20-30 घंटे लग जाते हैं। अब इस फ्रूट की पैकिंग का बताते हैं कि पहले इसको उतार लिया जाता है ऐसे बकेट्स में, फिर इन्हें दस्तरखान पर रख के इन छोटे से डब्बों में पैक कर दिया जाता है। इस छोटे कार्टन की कीमत यहाँ पे 130 होती है और इस छोटे कार्टन में 400-500 ग्राम्स की चेरीज होती हैं। पैकिंग करते हुए लेयर्स का बहुत ख्याल रखा जाता है और फर्स्ट लेयर जो है वो ऐसी दिखती है जो बहुत अच्छे से की जाती है और जो चेरीज बच जाती है उसे धोने के बाद सुखाने के लिए ऐसे रख दिया जाता है। ड्राई चेरीज के फ्रेश चेरीज की निस्बत काफी अच्छा रेट होता है, इस वजह से लोग इन्हें छतों पे सुखा देते हैं और ये चेरीज सूखने में 5-7 डेज लेती हैं और ड्राई होने के बाद इसकी शेप ऐसी हो जाती है। ड्राई चेरीज 2-3,000 पर केजी के हिसाब से बिकती है और इसे विंटर में यूज किया जाता है।